नमस्कार, मैं हूँ आसिमा भट्ट। मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों की काउंसलिंग से ज़्यादा मुझे पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत लगती है, और हर बार जब भी मैंने बच्चों की काउंसलिंग की है, बाद में मुझे उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे बात करनी पड़ी है। अब जैसे दो दिन पहले की ही बात लीजिए, मैंने एक बच्चे की काउंसलिंग की, उतना भी बच्चा नहीं, ग्रोन अप है, और उसे डर है कि उसके साथ घोष यानी भूत रहता है। अब ये बात उसके दिमाग में कहाँ से आई? होता क्या है कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और उन कहानियों में भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियाँ सुनाते हैं। ये अलग बात है, ये होते हैं या नहीं होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन आप बच्चों को किस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं? होता तो यूँ है कि अक्सर आप बच्चों को डराने के लिए भूत प्रेत की कहानियाँ सुना देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो भूत आ जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो चुड़ैल ले जाएगी। दरअसल इस तरह की कहानियाँ बच्चों को ना सुनाएं, क्योंकि बच्चे जिस तरह की बचपन में कहानियाँ सुनते हैं उस तरह उनका व्यक्तित्व बन जाता है। और चाइल्डहुड मेमोरी जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे तो बहुत डरपोक और कायर किस्म के होंगे, और उन्हें ये वहम लगा रहेगा कि उनके आस पास भूत है। अरे इससे तो अच्छा है कि आप परियों की, राजाओं की, हीरों की, शहीद भगत सिंह की कहानियाँ सुनाएं, कुछ भी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, पॉजिटिव कहानियाँ सुनाएं, ना कि वो प्रेतों वाली। थैंक यू सो मच।